हाय गाइस, वेलकम टू मैजिक क्यूबर्स। आज मैं आपको ट्रिक सिखाने वाला हूँ। ये कार्ड एट एनी नंबर प्लॉट पे है। बेसिकली एक जना कार्ड सेलेक्ट करता है, दूसरा एक नंबर सेलेक्ट करता है और वो कार्ड उसी नंबर पे होता है। तो ऐसा ही प्लॉट है, लेकिन ये इसमें थोड़ा सा अलग किया है, लेकिन प्लॉट सिमिलर ही है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक प्रिडिक्शन रखी है। क्या प्रिडिक्शन है ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, अभी आपको ट्रिक परफॉर्म करके दिखाता हूँ, उसमें प्रिडिक्शन यूज़ होगी। तो मेरे पास एक कार्ड है और यहाँ पर अगर आप होते तो आप मेरी जगह कर लेते। मैं लगभग तीन पाइल बनाऊँगा लगभग इक्वल कार्ड्स की, और आप होते हैं यहाँ पे तो आप इसको मिक्स कर सकते थे मेरी जगह पे। तो मैं मिक्स कर देता हूँ और आप देख सकते हो कि सारे कार्ड्स डिफरेंट हैं। तीनों पाइल में सारे कार्ड डिफरेंट हैं। अब भी आप यहाँ होते हैं तो आपको मैं बोलता कि कोई भी एक पाइल चूज़ करो। आप यहाँ पे नहीं हो तो सपोज़ आप सेंटर वाली ये चूज़ करना चाहते हो, मैं इसको मिक्स कर देता और ये स्पेक्टेटर मेरी जगह, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, स्पेक्टेटर करेगा। स्पेक्टेटर क्या करेगा, मिक्स करने के बाद कहीं सेंटर से कट लगाएगा और जो नीचे कार्ड दिख रहा होगा वो देख लेगा। इस केस में आप ये कार्ड देख लो, कहीं बीच में से कोई भी कार्ड देखने के बाद अब इसको इस पाइल पर रख सकता है या इस पाइल पर रख सकता है, उसकी मर्ज़ी है। सपोज़ इस पाइल पर रखता है तो यहाँ रख देते हैं, फिर जो पाइल अभी तक यूज़ नहीं की है उसको वो फिर से मिक्स करेगा स्पेक्टेटर, और उसको भी इसके ऊपर रख देंगे। इसके बाद एक थोड़े से कार्ड भर के इसको मिक्स करके रख लेंगे। बेसिकली जो आपका कार्ड है, जो कार्ड सोच रहे हो वो कहीं इसके बीच में है डेक के, और किसी को नहीं पता कि उसकी लोकेशन क्या है। सबसे नीचे वाला कार्ड नहीं है और सबसे ऊपर वाला कार्ड भी नहीं है, मतलब कहीं बीच में ही है। और आपको मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में मैंने एक प्रिडिक्शन रखी है, मैंने प्रिडिक्ट किया था एक नंबर, आप देख सकते हो नंबर है 36। अगर ये प्रिडिक्शन वर्क करी तो आप जो कार्ड सोच रहे हो 36 नंबर पे होना चाहिए। तो अभी काउंट करके देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 और ये 36। अब कोई भी कार्ड सेलेक्ट कर सकते थे, बिल्कुल फ्री चॉइस थी। और अब मेरे हिसाब से आपने जो कार्ड देखा था वो ये था, 3 of diamonds। आई होप आपको ट्रिक पसंद आई हो। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस ट्रिक को आप कैसे कर सकते हो, इसके मैं दो वेरिएशन सिखाऊंगा। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आई है ये ट्रिक तो वीडियो का भी लाइक कर दो, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। सो गाइज, इस ट्रिक को करने के मैं आपको दो मेथड बताने वाला हूँ। पहला, जिसके अंदर आपके रहेगा 36 पोजीशन पे कार्ड, और दूसरा जिस पे रहेगा 34 पोजीशन पे कार्ड। अब दोनों मेथड में क्या फ़र्क है, पहला मैं आपको 36 समझाता हूँ जो मैंने परफॉर्मेंस में किया था। इसके लिए आपको क्या चाहिए, 54 कार्ड्स चाहिए टोटल। 54 का मतलब आपको टोटल 52 कार्ड्स तो चाहिए जो नॉर्मल होते हैं, साथ में आपको दोनों जोकर्स भी इंक्लूड करने हैं ताकि टोटल 54 हो जाए। और आपको क्या करना है, जोकर को मार्किंग तरह यूज़ करना है। बेसिकली एक जोकर मैंने रख दिया 18th पोजीशन पे और दूसरा रख दिया मैंने 36 पोजीशन पे, ताकि जब मैं कार्ड सेपरेट करूँ तो मुझे आइडिया लग जाए कि ये 18 कार्ड्स हैं, इतने 18 कार्ड्स हैं और इतने 18 कार्ड्स हैं, जिनका कि टोटल 54 बनता है। तो आपको बस ये सेटअप है इसका और कोई सेटअप नहीं है। और इसके अलावा आप जोकर्स के अलावा कोई और भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको जोकर्स इंक्लूड करने पड़ेंगे कार्ड्स में। आप 18 पे क्वीन रख सकते हो, रेड दोनों, मतलब 18 राज्य में क्वीन ऑफ डायमंड्स और क्वीन ऑफ हार्ट्स भी रख सकते हो, जो भी आपको याद रहे सेपरेट करते टाइम। सो मैंने ये रख दिया है। और परफॉर्मेंस के टाइम मैंने क्या किया था आपको उससे पहले बता देता हूँ। आप देखोगे ध्यान से तो आप देख सकते हो यहाँ पे वाइट लाइन दिख रही है दोनों जगह पे, क्योंकि मैं जोकर ज़्यादा यूज़ नहीं करता तो अभी भी इन पे वाइट टेस्ट ये आपको आइडेंटिफाई हो जाते हैं इजीली कि ये जोकर है, आप डायरेक्ट कट कर सकते हो। लेकिन परफॉर्मेंस के टाइम मैंने क्या किया था, इन कार्ड्स को हल्का से ऐसे बेंड कर दिया, जो पहले 18 कार्ड्स हैं, जो नेक्स्ट 18 कार्ड्स हैं, इनको इस तरह से बेंड कर दिया था और इनको भी ऐसे बेंड कर दिया था। तो जब मैं इनको साथ रखूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे ब्रेक्स आ जाएगी नेचुरली, लेकिन जब स्प्रेड करूँगा तो ये दिखेगी नहीं ऑफकोर्स, लेकिन जब कलेक्ट करेंगे वापस, आप हल्का सा टाइट करोगे तो दिखेगी नहीं, और हल्का सा लूज़ करते ही ये ऑटोमेटिकली ब्रेक्स बन जाती है, तो आपको कट करने में आसानी लगती है। अगर आपको ये वाला डिफिकल्ट लगता है मैटर, तो आप दूसरा तरीका भी कर सकते हो। आप कैजुअली सीधा जाओगे, जोकर ढूंढोगे और एक पाइल बना दोगे ऐसे अपनी तरफ कार्ड रख के, अगर रैंडमली कुछ कार्ड ले रहे हो। आपका ऐसा दिखना नहीं चाहिए कि आप कार्ड्स काउंट कर रहे हो, नहीं तो फिर मेथड क्लियर लगने लग जाएगा जो स्पेक्टेटर है। तो आपको ऐसे दिखाना है बिल्कुल कैजुअली कुछ कार्ड ले रहे हो इक्वल अमाउंट से, अंदाजे से, बेसिकली अपने हिसाब से एवरेज लेके। सो आपने तीन पाइल बना दी है, तीनों 18 18 18 कार्ड्स हैं, जो कि टोटल 54 बनेगा। स्पेक्टेटर जो मर्जी कार्ड के पाइल ले सकते हैं, जितना मर्जी शफल कर सकते हैं तीनों को, सपोज वो ऐसे शफल करते हैं इतना, और मान लो थर्ड पाइल चूज़ करना चाहते हैं, फिर आप बोलोगे इसको फिर से शफल करने के लिए,
और उसके बाद बोलोगे कि वो कहीं से सेंटर से कट करे और लास्ट वाला कार्ड देख ले। अब ये लास्ट वाला कार्ड इस केस में एट ऑफ हार्ट्स है और इन दोनों में से किसी के ऊपर रख दें, तो सपोज़ यहाँ रख देते हैं और फिर ये वापस रख दोगे। अब उनको बोलना है कि दूसरी पाई लो, इसको भी मिक्स करो और इसको इसके ऊपर रख दो, और ये भी लो और इसके इसके ऊपर मिक्स कर दो। बेसिकली ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब आप बाद में एकदम लास्ट में आते हो तो उनकी मेमोरी में रहता है कि उन्होंने कार्ड शफल किए थे, उनको ये याद नहीं रहता कौन से शफल किए थे, तो उनके हिसाब से कार्ड कहीं बीच में है, उनको आइडिया नहीं कि प्रिडिक्शन में गया, क्योंकि प्रिडिक्शन हमेशा से ऐसे नीचे रहेगी। अब वो ऑटोमेटिकली 36 पोजीशन पर चला गया। मैं उल्टा काउंट करता था कि जल्दी काउंट हो सके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 54 माइनस 18 या अपने आगे 36 पोजीशन पे, तो ये 8 ऑफ 1, तो ये ऑटोमेटिकली वर्क करती है। अब मैं आपको सिखाता हूँ अगर आपको 34 पोजीशन यूज़ करनी है, तो इसके लिए मान लो आपके पास जोकर नहीं है तो आपको 34 यूज़ करना पड़ेगा। तब क्या करो, जोकर का हटा दो, मैं दोनों जोकर का हटा दूंगा, और इसके साथ आपको एक और कार्ड हटाना पड़ेगा डेक में से। आप इसको बॉक्स में रख सकते हो, आपको 51 कार्ड चाहिए क्योंकि 3 से आप डिवाइड कर पाओगे 51 को 17 कार्ड्स के बीच में, तो आपको इस बार जब पाइल्स बनाओगे तो 17 कार्ड्स की पाइल बनेगी। तो अब आपके पास जोकर नहीं है तो उसकी जगह आप क्वींस यूज़ कर सकते हो, ब्लैक किंग यूज़ कर ले क्योंकि मैंने एक रेड क्वीन बाहर निकाल दी, तो ब्लैक क्वीन को निकाल देता हूँ ऐसे, और मेरे को कार्ड्स काउंट करने हैं बेसिकली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, और इस 17 पोजीशन में पहली क्वीन, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, अब 34 पोजीशन पे दूसरी क्वीन। अब इसमें मार्किंग ऐसे नहीं दिखेगी, लेकिन आप चाहते हो जैसे पहले बेंड किया तो बेंड भी कर सकते हो ताकि आप डायरेक्ट कर सको, नहीं तो आपको मैंने जो दूसरा तरीका बताया कैजुअली लो और क्वीन दिखी ये पहली पाइल यहाँ, फिर ऐसे गए दूसरी क्वीन दिखी ऐसे तीन पाइल बना दी। तो अब इसका सेम प्रोसेस है, आप मिक्स करोगे और वो ये कार्ड सेलेक्ट करते हैं, ये देख के किसी मर्जी पाइल पर रख सकते हैं, इसको वापस रख दो, दूसरी पाइल जो अभी तक यूज़ नहीं की इसको मिक्स करके ऊपर और इसको फिर से मिक्स करके ऊपर। बेसिकली तो ऑटोमेटिकली जो कार्ड है वो 34 पोजीशन पे चला गया है। मैं काउंट करके भी दिखा देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और दूसरा ये भी आप जब ऐसे भी काउंट करके दिखाओगे तो सस्पेंस ज़्यादा बना रहता है क्योंकि वो देखते हैं कि उनका कार्ड आया नहीं आया नहीं आया, तो जब 34 तक जाते हैं तो एकदम सस्पेंस खुल जाता है कि बहुत ज़्यादा वो बेसिकली एक एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाता है। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 और 34 कार्ड 6 ऑफ 8। तो ऑटोमेटिक वर्क करती है, कार्ड एनी नंबर का वेरिएशन है। आई होप आपको पसंद आया हो, आप बस एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगी कैसे वर्क करती है, अपने कार्ड्स के साथ ट्राई करके देखना। और ये प्रिडिक्शन जो है आप किसी एनवलोप में डाल के भी दे सकते हो या उनको हाथ में पकड़ने के लिए कैसे टेबल भी रख सकते हो, जैसा आप चाहो वैसे रख सकते हो। सो ये ट्रिक के दो वेरिएशन है, आपको जो पसंद है वो कर सकते हो, बस एक में आपको जोकर्स चाहिए और दूसरे में आपको जोकर्स नहीं चाहिए लेकिन एक कार्ड निकालना पड़ेगा। सो बस यही ट्रिक है, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।